योगी, तुम मत छोड़ो।
इसलिए मैंने क्रोध किया ही, क्रोध का और कोई कारण नहीं है। रावण जी, श्री महाराष्ट्र जी, आप राजा जनक के प्रण का विरोध करना चाहते हैं और हम उनके प्रण में सहयोग करना चाहते हैं। हमें तो ऐसा प्रतीत होता कि हमारी आपकी आज बनेगी नहीं। हमें लगता है भाई आपसे झगड़ा करना पड़ेगा, बवाल करना पड़ेगा, दो हाथ करने पड़ेंगे। हम तो समझ रहे थे कि आप फिस्ट हो, राजा जनक फिस्ट हो और ये अजगो फिस्ट है, महामन विश्वामित्र जी भी आ गए हैं, वो फिस्ट है, पूरा सहयोग परिवार यहाँ पर एकत्रित है, केवल एक ही सहयोग बंधु यहाँ पर नहीं है। तो हमारी आत्मा की आवाज कहती है यदि इनका खंडन हो जाएगा तो इनसे एक ऐसी ध्वनि निकलेगी कि उस ध्वनि को सुनकर के जो एक सहयोग शेष है उनका भी आत्मा यहाँ पर हो जाएगा। प्राय जब कोई प्राणी देह त्याग करता है तो उसकी अंतिम इच्छा यही हुआ करती है कि हमारे परिवारिक जन हमारे समीप रहे। जब परिवारिक जन देह त्याग करने वाले प्राणी के समीप होते हैं तो देह त्याग करने वाले प्राणी को कोई तो कुशासन देता है, कोई तो मुख में गंगा जल डालता है, कोई तुलसी जल डालता है और ये सब होने से देह त्याग करने वाले प्राणी की आत्मा को शांति मिलती है। तो आज एक सैव संसार छोड़ रहा है, हमारे यहाँ जैसे सैव यहाँ पर एकत्रित है तो धर्म बनता है कि इनके मुख में आप गंगा जल डाले, हम तुलसी जल डाले, इनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन आप ऐसा कुछ करना नहीं चाहते, आप राजा जनक के विरोध में बोलना चाहते हैं, आपने अपने अधिकारी को भी इस समाज में बुलाना चाहा, आपने कहना चाहा कि सर्व अधिकार हमारे पास सुरक्षित है, यहाँ तक कि आपने मानस के प्रमाणित करने का अपने लिए असफल प्रयास किया, आपने कह डाला कि ब्रह्म में श्रेष्ठ जहाँ के तरुधारी दस मुख बस भक्ति न लाली, आपका यही कथन तो है। लेकिन तब भी आप अपनी जगह पर गलत है, आप सही नहीं बोल रहे, आप गलत है। अगर एक क्षण के लिए हम आपकी बात मान ही ले कि ब्रह्म श्रेष्ठ जहाँ लगत उधारी दस मुख बसपति लारी, अर्थात जहाँ तक माँ की सृष्टि है वहां तक के लारी आपके अधीन है, तो फिर रामा जी आप जान लीजिए कि जहाँ पर आज आप खड़े हैं ये है मिथिला रंगशाला और मिथिला रंगशाला में ब्रह्मा का बनाया हुआ कुछ है ही नहीं। इस बात का हमारा दावा है, मिथिला में ब्रह्मा का बनाया हुआ कुछ है ही नहीं। देव मनुज धरे मनुज शरीरा विपुल फिर आए लड़खीरा के आधार पर यहाँ पर देवता भी आए और देवताओं में ब्रह्मा भी आए और जब ब्रह्मा ने मिथिला रंगशाला को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ, आश्चर्य की होकर के ब्रह्मा जान गए ये मान गए और मानसकार ने लिखा क्या लिखा कि प्रीति और भय आचरित विषय की विधि हमारे ब्रह्मा। ब्रह्मा को मिथिला में आकर के आश्चर्य हुआ, क्या आश्चर्य हुआ, प्रीति और भय आचरित विषय की निज करनी कछु कटौला देखी। ब्रह्मा ने देखा कि मिथिला में हमारा कुछ बनाया हुआ है ही नहीं और जब ये ब्रह्मा मान रहे हैं कि मिथिला में हमारा कुछ बनाया हुआ है नहीं तो रावण जी फिर आपका भी यहाँ कुछ अधिकार है नहीं। अब तो आपको कुछ बोलने नहीं चाहिए, आपको कह देना चाहिए कि महाराज जी आपकी बात सही हमारी बात गलत, अब धनुष का खंडन होगा, राजा जनक का प्रण पूरण होगा, लवली सीता का पारिजय संस्कार होगा, ऐसा आपको कह देना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं आप कहेंगे नहीं क्योंकि स्वभाव से है राक्षस, आपकी प्रवृत्ति ऐसी बन गई है, आपके द्वारा आपके अर्जुनों के द्वारा माँ नहीं मात पिता नहीं देवा साधु समित करवा वही सेवा जिनके अस्त्र भवानी से जाने निश्चय संप्राणी